रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच बन रहे तनावपूर्ण हालातों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि जंग कभी भी हो सकती है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन की सीमा पर युद्ध के लिए ट्रेंड रूसी सैनिकों ने अभ्यास शुरू कर दिया है और इसे देखते हुए यूक्रेन के हिमायती अमेरिका ने रूस को कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी है। तनाव बढ़ता देख व्हाइट हाउस ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का जोखिम बना हुआ है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया है जिसमें वो रूस को धमकी देते दिख रहे हैं। रूस को चेतावनी देते हुए जो बाइडेन कहते हैं कि रूस को भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। बाइडेन ने आगे कहा कि पूरी दुनिया को बदल देंगे, साथ ही पुतिन पर सीधे प्रतिबंध लगाने पर भी विचार करेंगे। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को टारगेट करते हुए बाइडेन ने सीधे शब्दों में ये भी कहा कि हाँ, मैं देख लूंगा। आप भी सुनिए। There will be enormous consequences if he were to go in and invade, as he could, the entire country, or a lot less than that as well, for Russia, not only in terms of economic consequences and political consequences, but it'll be enormous consequences worldwide. This would be the largest, if he were to move in with all those forces, it'd be the largest invasion since World War II. उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अमेरिकी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि रूस के लिए परेशानी बढ़ेगी और अभी तक जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, इस बार उससे कहीं अधिक कड़े प्रतिबंध होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो शुक्रवार को पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात करेंगे और मॉस्को के इरादों पर स्पष्टीकरण मांगेंगे। इस महीने रूस और अमेरिका के बीच हुई बातचीत तनाव को कम करने में विफल रही है। हालांकि वाशिंगटन और मॉस्को बातचीत जारी रखने पर सहमत हैं। वाशिंगटन द्वारा यूरोप में नाटो सेना को मजबूत करने के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके एक दिन बाद ही रूसी सेना ने घोषणा की कि वो यूक्रेन के पास और क्रीमिया क्षेत्र के भीतर 6,000 सैनिकों को शामिल करते हुए नया अभ्यास कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास में लड़ाकू जेट, बम वर्षक, विमान भेदी प्रणालियों और काला सागर व कैस्पियन बेड़े के जहाजों के साथ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना को रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन में हथियारों की डिलीवरी तेज कर दी है। अभी तक 2 खेप हथियार पहुंचाए जा चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि हथियारों का यूक्रेन पहुंचना उनकी कूटनीति का हिस्सा है। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बहरहाल, हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।